माई सेल्फ राजीव कुमार गुप्ता फ्रॉम SDM इंटर कॉलेज, कॉमर्स सब्जेक्ट। माई टॉपिक इज बुक कीपिंग, चैप्टर फर्स्ट। वाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मीन्स बुक कीपिंग मीन्स बुक का अर्थ होता है पुस्तक, कीपिंग का अर्थ होता है रखना। फ्यूचर में डॉक्यूमेंटेशन की हमें आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हम पुस्तक को या बुक्स को या कॉपी को फ्यूचरिस्टिक्स उसको सही प्रकार से रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। तो इसी प्रकार से बुक कीपिंग का मीन होता है पुस्तक को रखना। बुक कीपिंग इज़ द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग एक प्रॉपर तरीका है, क्रमागत तरीका है, जो कि हमारी बुक्स को सही प्रकार से फ्यूचरिस्टिक मेंटेन करके रखता है। सेकंड इज द आर्ट ऑफ कीपिंग अकाउंट्स इन ए रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर। यह एक कला है, यह एक पुस्तक को रखने की एक कला है, जिसमें हम डेली बेस पर और सिस्टमेटिक क्रमागत तरीके से या तरीके से इसको सही प्रकार से फ्यूचर के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आराम से सही प्रकार से रख सकते हैं। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू J.R. बार्टली बॉय के अकॉर्डिंग, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। J.R. बार्टली बॉय हमारे बहुत फेमस इकोनॉमिक्स रहे हैं, जिन्होंने बुक कीपिंग की डेफिनेशन दी है कि बुक कीपिंग एक कला है जो कि हमारे बिजनेस से संबंधित दस्तावेज को एक पुस्तक के रूप में संभाल कर रखती है। अब आते हैं सेकेंड एज, कैरेक्टराइजेस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की क्या विशेषताएं? फर्स्ट एज, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ साइंस। बुक कीपिंग को हम एक कला और एक विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। सेकेंड इज अकाउंटिंग इन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। यह एक अकाउंटिंग एक तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका है बुक को रखने का। बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह व्यापार में और व्यापार की व्यापारिक संस्थाओं में बहुत ही मुख्य विशेष रोल निभाता है फॉर सर्टेन पर्पस। और इसके अलावा कई पर्पस में हम इसको बुक कीपिंग का यूज करते हैं, पुस्तकों को संभाल कर रखते हैं, जैसे लोन कंडीशंस, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं? फर्स्ट इज डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज रिकॉर्ड। हम बुक कीपिंग को डेट वाइज और अकाउंट वाइज रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट हम परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में उसको रख सकते हैं बुक कीपिंग के माध्यम से। टू नो द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितनी हमने अपने व्यापार में, बिजनेस में या ट्रेड में कैपिटल लगाई है, इसकी जानकारी हम बुक कीपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। टू नो द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कितनी हमारी संपत्ति है, कितने हमारे दायित्व में, इन सब की जानकारी हम बुक कीपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। टू नो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कितने हमारे देनदार हैं, कितने हमारे लेनदार हैं, इन सब की जानकारी हम बुक कीपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। टू नो द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जानकारी हम बुक कीपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। टू फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटीज, टैक्स की कितनी देनदारी हमारी, टैक्स की कितनी बनती है, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं बुक कीपिंग के माध्यम से। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि की जानकारी भी हम बुक कीपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? पहला फ़ायदा है ऑलवेज कंप्लेंट विद द लॉ। हम कोई भी कार्य जब करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ करते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग बुक कीपिंग के मेंटेन, अगर हमने कोई बुक्स मेंटेन कर रखी है, तो हम अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेकेंड इज इट इज ईजियर टू पेन प्लान। ये हम अपना कोई भी प्लानिंग, हमें फ्यूचर में कोई प्लानिंग बनानी है, उसको आसान करता है बुक कीपिंग। इंस्टेंट रिपोर्टिंग, तुरंत हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
बेटर रिलेशन विद बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स, बहुत अच्छी प्रकार के संबंध हम स्थापित कर सकते हैं बैंक और इन्वेस्टर्स से। बेटर टैक्स प्रेडिक्शंस, बहुत अच्छा टैक्स की लायबिलिटीज हम समझ सकते हैं। फास्टर बिजनेस रिस्पॉन्स, बहुत तेज़ी से बिजनेस रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से अपना बिजनेस को ग्रो करना है, ये सब जानकारी हम बुक कीपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। फास्टर फाइनेंशियल एजेंसी, किसी प्रकार का भी फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन है उसकी जानकारी हम बुक कीपिंग के माध्यम से बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन आइडियल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, कौन सा एक आदर्श तरीका है बुक कीपिंग का? सिंप्लिसिटी, एक बुक कीपिंग के माध्यम कौन सा तरीका हमारा बहुत आसान तरीका है बुक कीपिंग को, बुक कीपिंग के माध्यम से। नंबर वन है सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स साधारण। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लो उतार चढ़ाव, बहुत आसान। कंपेरेबिलिटी, किसी से कंपेरिजन करना है तो उस बुक कीपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी, कोई भी दूसरा व्यक्ति इसको अडेप्ट कर सकता है, आपने अपनी बुक मेंटेन करके किसी दूसरे को आप हैंड ओवर कर दीजिए, वो तुरंत इसको अडेप्ट कर लेगा, तो अडेप्टेबिलिटी हो गया। रैपिडली फास्ट, यानी बहुत तेज़ी से हम कोई भी कार्य बुक कीपिंग अपना कर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक्स, अब इसी चैप्टर वन में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता, आधा पार्ट तो आपका आता है बुक कीपिंग का एंड आधा पार्ट आपका आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का। तो दो पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड है आपका, एक है बुक कीपिंग, नेक्स्ट चीज है अकाउंटिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मीन्स क्या है? इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासीफाइंग, वेरीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इट्स मीन ये एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका है हमारे रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने का, रिकॉर्ड्स को मापने का, रिकॉर्ड्स को वर्गीकरण करने का, जांचने का, और सारांश के रूप में हम उसको आराम से देख सकते हैं। सभी प्रकार की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा जुटा सकते हैं। दिस कॉल्ड इज ए अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉलोइंग अकाउंटिंग सिस्टम इज इंक्लूड इन डबल एंट्री सिस्टम। हमारी जो पद्धति है अकाउंटिंग की, जो पद्धति है वो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। इसके अकॉर्डिंग हम डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या क्या चीज, कौन कौन से अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड करते हैं। नंबर वन इज चेकिंग द एंट्रीज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के माध्यम से जो भी हमारे सौदे या एंट्रीज हम बनाते हैं उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट और स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को हम अकाउंटिंग के अंतर्गत बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अकाउंटिंग के अंतर्गत बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, एडजस्टमेंट बनाते हैं। फोर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि एक शॉपकीपर अगर एक दुकान चलाता है तो वो डेली बेस पर एक रफ बुक में अपने सौदे को मेंटेन करता है। उस मेंटेन करने के बाद शाम को वो अपने एक जनरल बुक मेंटेन करता है। जनरल बुक में एंट्री होती हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसको डेबिट क्रेडिट करते हुए वो पूरे दिन का सौदा उसमें बाइफिकेट कर देता है। एंड सेकंड, अगले दिन क्या करता है, या महीने में या हफ्ते में एक भी क्या महीने में महीने के बाद उसको वो लेजर के फॉर्म में करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक शॉपकीपर के पास 10 लोग सामान लेने या बेचने आते हैं, तो उन सबका पर्सनल अकाउंट मेंटेन करना है। दिस कॉल्ड इज ए लेजर। तो लेजर के माध्यम से उनका पर्सनल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। बस उसके बाद लेजर के बाद में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इस प्रकार से अकाउंटिंग के माध्यम से हम पूरी एक प्रोसेस को चला करके ये सब चीज़ें डबल एंट्री सिस्टम में हम फाइंड आउट करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाते हैं, अकाउंटिंग और रेक्टिफाई एडजस्ट बनाते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब आपने बुक कीपिंग समझ लिया, अकाउंटिंग समझ लिया। बुक कीपिंग मीन्स बुक को सही प्रकार से रखना, बुक को सही प्रकार से रखना। अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइज ऑफ इंटरप्रेट एंड द कम्युनिकेशन फाइनेंस ट्रांजेक्शन बीच वर्क क्लासिफाइड द लेजर। अब हम इन दोनों के मीनिंग समझते हैं। बुक कीपिंग इज मेनली रिलेटेड टू आइडेंटिफाई मीनिंग्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंस ट्रांजेक्शन अकॉर्ड, इसी प्रकार से अकाउंटिंग का आपका सॉफ्टवेयर आता है। बुक कीपिंग में वी कैन नॉट टेक एक डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइड बाई बुक कीपिंग।
डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइड बाई द अकाउंटेंट द मैनेजमेंट्स कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस. बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल. बुक कीपिंग में आप किसी प्रकार की स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अकाउंटिंग में आपको स्पेशल स्किल की आवश्यकता पड़ती है. नेक्स्ट इज टर्मोलॉजी ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. थैंक यू.